हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, ओके, एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इन्फो एस से रिलेटेड वो वीडियो है। तो आपको बेचना नहीं है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो उससे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों, एज वेल एज बातें कर बताऊँ इस वीडियो में। तो देखिए, हम आज से एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट के जो दिग्गज है, ओके, वो कुछ ना कुछ शेयर बताते हैं। तो हम उनके शेयरों को कुछ एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हमें उन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ स्टडी हम उन शेयर से, तो देखिए संजीव भसीन साहब जी, IIFL के डायरेक्टर भी आई थिंक, ओके, और उनकी बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड में भी ये मेंबर है। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छे एडवाइज़र है। तो इन ये हमेशा डेली कुछ ना कुछ शेयर आप बताते हैं। तो उन्हीं शेयर से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाया करेंगे और बात ही किया करेंगे क्या हमें वो शेयर में पोजिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, क्या हम उनमें फंसेंगे तो नहीं, ऐसी शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आज की भी वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे फौरन तौर पर आपको मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को डेफिनेटली हिट करें, और हमें एक लार्ज फैमिली बनानी है। तो लार्ज फैमिली बनानी है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब फैलाएंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, खुद ही पैसा ना कमा के अपने फ्रेंड्स को ही बताएंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो भी सब्सक्राइब करेंगे और वो भी इस वीडियो का थोड़ा बहुत शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेंगे और आगे चल के वो भी इन्वेस्ट करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को रिच बनाती है, ओके, डेफिनेटली वो रिच बनाती है अगर आप सही तरीके से उसमें काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, फैमिली फ्रेंड्स तक डेफिनेटली शेयर करें। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, यहाँ पर अगर आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। एज वेल एज नीचे एक और लिंक है, यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो दान कर सकते हैं वो दान करिए, एक पुण्य काम में मदद करिए। तो देखिए, संजीव भसीन साहब ने आज भी एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करी है, दो तीन शेयर। तो हम दो तीन शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी वो शेयर आपको पहले भी सजेस्ट किया, बट स्टिल मैं आपको, और कुछ अलग शेयर भी है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले जो शेयर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। अगर देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस, तो मतलब इंडियन स्टेट्स के द्वारा यहाँ पर ओन किया जाता है, एंड डिफेंस कंपनी, और डिफेंस कंपनी भी है जो कि डिफेंस से रिलेटेड अपनी चीज़ें बनाती है, और ये फुल्ली ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है। अगर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक साल, तो एक साल का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 और 63 रुपीज़ पर चलने वाला शेयर, ओके, 152 तक गया था, बट यहाँ पर मार्केट गिरा था लगातार, तो उसमें ये भी गिरा था। तो अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो कभी कुछ पैसों का ये शेयर हुआ करता था, उसके बाद अच्छी खासी इसने रैली दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर 184.85 तक गया, फिर उसके बाद गिरावट हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस चार्ट पैटर्न को डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न में बहुत कुछ आपको बताया कि ये शेयर ना बहुत अच्छी अच्छी गिरावट, यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट, यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट, यहाँ पर के बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट देख सकते हैं, इसके बाद ये बड़ी गिरावट देख सकते हैं, ओके। तो ये शेयर है ना जो बड़ी बड़ी गिरावटों के साथ चलने वाला शेयर है, तो इसमें कभी भी अगर पैसा लगाओ तो थोड़ा बहुत ही लगाना। चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी से भरा हुआ है, एज वेल एज अभी कुछ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि कुछ डिफेंस से रिलेटेड, कुछ आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, ओके, बहुत और कुछ गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कंपनी करती क्या है, तो इस चीज़ को डेफिनेटली हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एट इन इंडिया। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं तो ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे काम करती है, ओके, एज वेल एज बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एडिंग इफेक्टिव वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी में, तो ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड जो मिसाइल्स होती है, ओके, उससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती हुई हमें नज़र आती है।
यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, यहाँ की इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखाते हुए मिलेगा। इसके अलावा ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन में ही किससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, और मेक इन इंडिया के तहत ये कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर काम करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी से ट्रस्टेड पार्टनर, तो इंडियन नेवी भी इनकी एक पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिसाइल से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो इंडियन नेवी होती है उसमें जो शिप होती है बड़ी बड़ी उसमें भी मिसाइल्स काम आती है, तो यहाँ पर ये भी इनके अच्छे खासे लेवल पर पार्टनर हमें नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आप देख लीजिए बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम, तो जो बॉर्डर पे सब निगरानी रखते हैं वो सिस्टम ये बनाती हुई नज़र आती है। कोस्टल सर्वाइवल सिस्टम, जो कोस्टल से रिलेटेड सर्वाइवल सिस्टम है, रिडार जिसे कहते हैं, यही कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर देखिए आकाश मिसाइल्स ये कंपनी बनाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो IIF एयर डिफेंस फायर, तो ये भी ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी EVM जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कहते हैं कि EVM से वोट मत दो, वोट मत दो, आपने बड़ा नाम सुना होगा, तो इस सीट में भी ये कंपनी काम करती है। वेपन लोकेटिंग रडार से कि हाँ कहाँ पर वेपन है, तो इस रडार से सिस्टम ये कंपनी काम करती है। तो जो हमारे नाइट विजन से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो कि हमारे फौजियों को काम आते हैं, उसमें ये कंपनी काम करती है। एज वेल एज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब ये इनका डाइवर्सिफाइड और डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा काम करती है, तो इसलिए इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बट इतना पैसा आपको नहीं लगाना। देखिए कंपनी हमें लार्ज कैप नज़र आती है, 29,000 करोड़ रुपये का यह मार्केट कैपिटल है, और ROCE भी अच्छा खासा है, 26% का है। बट कंपनी मुझे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इसमें जिस तरीके की गिरावट है, जिस तरीके से कंपनी भागती है फिर उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देती है, तो छोटे मोटे लोगों के लिए ये कंपनी बनी नहीं है, क्योंकि वो तुरंत ही एग्जिट हो जाते हैं, पैसा मिलता है तो रहते हैं, वरना फिर वो एग्जिट हो जाते हैं। सेल्स की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स आपकी तरफ है, देखिए 2018 में अच्छा खासा सेल्स थे, फिर इसके बाद लगातार यहाँ पर सेल्स जून में सितंबर में गिरते हुए नजर आए, वो उसका रीज़न आप जान सकते हैं। ओके, दिसंबर की बात करें तो 2296 करोड़ का सेल्स है। प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो प्रॉफिट भी देखिए थोड़ा बहुत गिरता हुआ, ये मतलब कभी जैसे चार्ट पैटर्न चल रहा था ना ऊपर नीचे, इसी तरीके से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी इसी तरीके से आपको बढ़ता घटता नज़र आएगा। बट अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करते हैं तो देखिए मार्च में इन्होंने 2009 में के फाइनेंशियल ईयर में 4583 करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि अभी अगर बात करते हैं तो पिछले 12 महीने में लगभग 13,000 करोड़ की सेल्स है। और प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं, 746 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट, अभी 1748 करोड़ का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 9660 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर रिजर्व्स है। कंपनी डेट फ्री है एकदम, कोई भी इनके पास कर्जा नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर नहीं रखा, एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश भी कंपनी के पास इतना खासा कुछ है नहीं। बट कैश फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ पर 2533 करोड़ रुपए का कैश फ्लो इनके पास है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो 51% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, जो कि हमें कंटिन्यूसली घटते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के पास ही ये शेयर है। FIIs की बात करें तो FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और DIS ने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 31% के शेयर DIS के पास है, और पब्लिक के पास बात कर रहे तो 7% के शेयर यहाँ पर है। तो अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे संजीव भसीन साहब ने आज ये शेयर सजेस्ट भी किया था, और आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने जो टारगेट दिया है, शॉर्ट टर्म टारगेट वो हमेशा देते हैं, तो शॉर्ट टर्म टारगेट 140 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट देते हुए नजर आए, तो 142-145 रुपीज़, तो इसके लिए आप जा सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। बट लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे नहीं लगता है इस कंपनी में इतना कुछ खास आपको आने वाला है, इसलिए अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए अच्छी खासी कंपनी में लगे रहिए। ओके, वो आपको वेल्थ क्रिएट करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा उन्होंने SCL टेक्नोलॉजी की बात करी है, तो SCL टेक्नोलॉजी मैं भी हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि इसे इन्वेस्ट करिए। मैं आपको ये 900 रुपये का लेवल, जब आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक महीने का ही चार्ट पैटर्न निकालते हैं, तो ये 900 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था, इससे भी नीचे गिरा था, तो आपको मैं तब से बताता आ रहा हूँ कि इसे आप खरीद लीजिए, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा, तो आप लगभग 95 रुपीज़ पर शेयर में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, तो इस कंपनी की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। डिविडेंड बोनस सब चीज़ ये कंपनी देती है, IT में दिग्गज शेयर है, और इनके जो ओनर है अगर बात की जाए तो उनके जो ओनर है वो टॉप 10
में पे आते हैं, वो top 10 richest पर्सन में आते हैं इंडिया में। तो इसलिए इस कंपनी को टारगेट इन्होंने 1200 रुपये के आसपास बताया, 1200 तो नहीं, मैं समझता हूँ कि 1150 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। एज वेल एज दूसरे शेयर की बात करें तो TCS एक बेहतरीन शेयर है, मैंने भी 2800 रुपये के आसपास ये ख़रीदा था और मैंने आपको बताया भी था, 2800 मतलब 2850 या 2900 मैंने यहाँ पर 4-5 दिन पहले ही ख़रीदा था, यहाँ पर जब लो लेवल पर आया था तो मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि शेयर को एक्युमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2900 के आसपास शेयर खरीदा था तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 6-7-8% का, और आज भी देखिए अच्छा खासा ये भागा है। तो बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है तो करिए, एज वेल एज इनके रिजल्ट सबसे पहले आने वाले। TCS दुनिया की दूसरे नंबर की और पहले नंबर की कंपनी में आती है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको बताना चाहता हूँ IT के नंबर सुपर हुआ है, तो यहाँ पर इनके नंबर भी सुपर आने की पूरी वो उम्मीद है। तो जब इनके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको बताना चाहता हूँ ये अच्छे खासा आप ये शेयर है जो 3500 रुपये तक इन्होंने बताया, और मुझे भी लगता है कि 3400-3350 रुपये तक ये शेयर मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है विद इन दिस मंथ। तो इसलिए आप अच्छे खासे पाँच मतलब कितने कह सकते हैं, अगर 10% का प्रॉफिट आपको ईजिली होता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट कैपिटल आपको पता ही है लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट कैप वाली कंपनी है। ROC काफ़ी बेहतरीन है, 47% का ROC है। ऐसी कंपनी को हमेशा पकड़ के ही रखना होता है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही इन्वेस्ट करना होता है। सेल्स भी देख सकते हैं, सेल्स भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस बार का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है 87 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। ओके, ईयरली बेस पर भी बात करें तो ईयरली बेस पर भी देखिए 31,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नज़र आया है। अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की तो रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 95,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोराइंग 7,882 करोड़ की है, बट इस कंपनी के लिए कोई भी मायने नहीं रखती। ओके, प्राइसिंग परसेंटेज है थोड़ी सी, वो भी मायने नहीं रखती क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 37,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें 10,000 करोड़ का कैश है। ओके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी बेहतरीन है, 72% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, 15% FIIs ने ले रखे, 7% DIIs ने ले रखे है, और पब्लिक के पास है केवल 4%। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, हाँ, तो पब्लिक के पास 4% की हिस्सेदारी है, तो मतलब समझ सकते हैं अच्छी अच्छी हाथों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी को भी नज़र रख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, जो कि आपको अच्छा करती हुई नज़र आती है, जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, तो उनकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। बाकी ये बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपनी खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए। ओके, हमने आज से एक शुरुआत करी है कि हम जो संजीव भसीन साहब या कोई भी दिग्गज हमें पता चलेगी कि उन्होंने ये पर्टिकुलर शेयर सजेस्ट किए, तो डेफिनेटली हम उसी तरीके के शेयर आपको ला के बताया करेंगे और उसकी स्टडी किया करेंगे खुद से, और ताकि इस तरीके की अगर कंपनी कुछ मल्टी बैगर निकल जाती है या फिर हमें अच्छे खासे रिटर्न दे पाती है तो ऑब्वियसली बात है आप सबका फायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि खुद पैसा ना कमा के खुद तो पैसे कमाइए ही कमाइए, एज वेल एज दूसरों को भी हेल्प करिए पैसे कमाने में, तो इसलिए इस चैनल को भी सजेस्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।